नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना ट्यूब चैनल जीके के संसार पे आज हम सब पिछले 20 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये जो प्रश्न होंगे यहां पे हम तकरीबन 120 प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न बुलेट से भी तेज होंगे क्योंकि यहाँ पे हम बहुत तेजी से को करने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय सभी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन

अगला प्रश्न कहता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है जब किसी वस्तु को हम ऊपर से गिराते हैं तो उसका भार जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था तो ये कॉपरनिक्स ने किया था ठीक है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो कॉपरनिक्स के द्वारा किया गया था ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है वो है क्या ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोट बी डिस्ट्रॉयड ठीक है आगे देखते हैं इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है तो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की प्रकाश वर्ष होता है देखिए प्रकाश वर्ष आप सबको पता है क्या होता है दूरी का मात्रक है लेकिन प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम वर्ष कहते हैं लोलक की कालावधि जो होती है वो किस पर निर्भर करता है तो लंबाई पर निर्भर करता है जितनी लोलक की लंबाई होगी उतना कालावधि बढ़ेगा ठीक है और जितनी छोटी होगी वो घटी। अगला प्रश्न है न्यून तापमानों के अध्ययन यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यान और शल्य कर्म में होता है ठीक है याद रखिएगा इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड कितना होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनटीपीसी में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये कितना ग्यारह दशमलव दो किलोमीटर प्रति सेकंड तभी आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर सकते हैं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी मोम और लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे तो ये क्यों पॉसिबल हो पाएगा कैसे हो पाएगा तो ये होगा समान गुरुत्वाकर्षण के कारण ठीक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है तो यह है वन फोर नाइन यानी एक सौ उनचास दशमलव आठ मिलियन किलोमीटर आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी अगर सूर्य और पृथ्वी के मध्य वन फोर्थ जो है वह दूरी कम हो जाए तो क्या होगा पृथ्वी जो है जलकर भस्म हो जाएगी यानी कि खात्मा हो जाएगी पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है वह चल सकता है शीतकाल में यानी कि अभी के समय में गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति क्या हो जाएगी तो कम हो जाएगी आपको पता है कि पेंडुलम अभी देखा कि घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में तो गर्मी में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि कम कमी आ जाएगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं बत्ती वाले स्टॉप में किरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो क्या है तो है सर्पस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव अब देखिए यहां पे कह रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है तो केसी कर्षण होता है पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है वह केसी कर्षण होता है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है तो नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन फिफ्टीन मीटर के बराबर होता है ठीक है चलिए दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है पार्सिक याद रखिएगा दूरी को मापने के लिए जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पार्शिक होती है भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो होगा हो वो कैसा होगा तो गोलाकार होगा भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान जो होगा वो कितना होगा शून्य होगा यानी जीरो हो से दही का बनना किसका उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का याद रखिएगा दूध से दही का बनना जो किसका उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है तो होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए वक्कन जिसका विस्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है वह क्या है माइक्रोवेव फोटोन ठीक है अब देखिए माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किसने किया तो अल्फान अस्टालोफेन और गुंटूर नृत्य के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु तो उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु तो अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है तो आपको पता है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का जो मुख्य कारण है वह हाइड्रोजन का हिलियम में परिवर्तन होना ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठीक है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि आपको पता है कि झुकी हुई मीनार कहाँ पे पीसा में है और ये क्यों नहीं गिरती तो ये गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले उधरवा रेखा तल के अंदर रहती है और इसी वजह से यह नहीं गिरती है ठीक है अगला प्रश्न देखिए अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है ठीक है अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता उसका रीजन क्या है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है वह किससे मिलता है द्रव क्रिस्टल से प्राप्त होता है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है तो ऐसा होता है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूटन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है इसी वजह से ऐसा होता है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों ही जो अवधि होती है वह कितनी होती है दोनों की जो अवधि होती है वह सत्ताईस दशमलव तीन दो दिन होता है चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है वो मात्र होता है फिफ्टी नाइन परसेंट ठीक है हम सब उनसठ फीसदी ही चंद्रमा का वह भाग पृथ्वी से देख पाते हैं चंद्रमा का आकार क्या है वन बाई फोर्थ ठीक है पृथ्वी का वन बाई फोर्थ आकार है चंद्रमा का चंद्रमा का चमकीला भाग कौन सा है तो है पर्वत अब हम ये भी बात करेंगे कौन सा पर्वत चंद्रमा पे है तो देखिए चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत जो है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है लिबनिट क्या नाम है लिब्निट और ये जो पर्वत है इसकी ऊंचाई जो है दस हजार छः सौ साठ मीटर है कितना है दस हजार छ सौ साठ मीटर अगला प्रश्न देखिए हेलोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो क्या है तो सूर्य है ठीक है और हम लोगों ने देखा हेलोसेंट्रिक थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो कॉपरनिक्स ने किया जियोसेंट्रिक थ्यूरी का प्रतिपादन किसने किया टॉलमी ने किया जियोसेंट्रिक थ्यूरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है पृथ्वी अब यहाँ पे दो चीजों को आपको ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलियोसेंट्रिक थ्यूरी का जो प्रतिपादन है वह कॉपरिक्स ने किया और इस थ्यूरी के अनुसार ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है और दूसरा जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन टॉलमी ने किया और इस थ्योरी के अनुसार जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी है ठीक <ht> है दोनों चीजों में आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है तो एक कॉपर ने कहा था ठीक है अभी हम लोगों ने देखा अब देखिए किसी वस्तु के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो कहलाता है त्वरण ठीक है किसी वस्तु के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटा समय होता है आपको याद रखना चाहिए एकांक एक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन त्वरण होता है ठीक है चलिए गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं तो गतिशील वस्तु के विस्थापन की जो दर होती है उसको हम वेग कहते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है आवेग ठीक है याद रखिएगा गतिशील वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की दर को हम वेग कहते हैं और किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को हम आवेग कहते हैं और किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कार्य ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा भी प्रश्न अगला प्रश्न देखिए द्रव्य का वह गुण द्रव्य का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ कला के रूप में कार्य करता है वह क्या कहते हैं उसे तो वह कहलाता है पृष्ठ तनाव क्या कहलाता है सरफेस टेंशन किसी तारे का रंग किस पे निर्भर करता है टेम्परेचर पे यानी कि ताप पर ठीक है अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तारे में पाया जाता है तारे में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन हीलियम और कार्बन इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है ऑक्सीजन भी पाया जाता है लौह और अन्य भारी तत्व भी पाए जाते हैं अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है सेवेंटी फिफ्टी यानी सत्तर परसेंट और उसके बाद हीलियम होता है ट्वेंटी एट कार्बन होता है वन पॉइंट फाइव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य भारी तत्व जो होता है वो पाँच प्रतिशत होता है ठीक है याद रखिएगा इस चीज़ को अगला प्रश्न देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है तो होता है फर्मीमीटर ठीक है आपको कमेंट करके बताना है कि एक में कितना मीटर होता है ठीक है? एक मीटर में कितना द्वारा के के किया, किया गया था तो ये किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किसने किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कार्य का मात्रक क्या है भाई तो है जूल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे देखिए पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपरा से बाहर गिराई गई गेंद जो होगी वह क्या होगी तो पृथ्वी के, के समान आवर्त काल के साथ उसी के कच्छ में घूमती रहेगी ठीक है अब देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है ऐसा क्यों क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्ष घर्षण जो हो होता है वह कम होता है ठीक है बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण बल होता है या घर्षण जो होता है वो कम होता है इसी वजह से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है दूरदर्शन के संकेत पर या दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं ऐसा क्यों तो पृथ्वी की जो सतह है वह कैसा है वर्क्का है और इसी वजह से ऐसा हो सकता है अब देखिए अगला प्रश्न कहता है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं गर्मियों के दिन में लोलक घड़ियाँ जो होती हैं वह सुस्त हो जाती हैं तो ऐसा क्यों होता है तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इकाइन धोलने में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और इस वजह से सुस्त हो जाती हैं वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा जो कि कोई चेंज नहीं होंगे वो किस में होगा डेंसिटी में यानी कि घनत्व में किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित यानी नहीं रहता बल्कि परिवर्तित हो जाता है वह क्या है द्रव्यमान आयतन और भार याद रखिएगा किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर जो परिवर्तित हो जाता है वह है द्रव्यमान आयतन और भार अगला प्रश्न कहता है कि निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद उन पर कार्य करता है तो है गुरुत्वीय त्वरण ठीक है अगला प्रश्न देखिए तो हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा तो पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी क्योंकि क्या है दोनों का गुरुत्वाकर्षण सेम अब देखिए एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा वह ऊपर उठेगा याद रखिएगा एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा ऊपर की ओर उठेगा अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र जो जल होता है समुद्री जल जो होता है उसका घनत्व तो कैसा होता है ज्यादा होता है कम होता है तो अधिक होता है ठीक है विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती है तो ये आयन मंडल में होता है क्षोभ मंडल को कहा जाता है तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है याद रखिएगा परिवर्तन मंडल से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल की बात की जा रही है ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किया जाता है कहां पे भाई आयन मंडल में ठीक है वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है क्षोभ मंडल क्या पाया जाता है क्षोभ मंडल सभी मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं वह यहीं पे होती है कहां पे होती है शोभ मंडल में सूर्य जो कि स्वयं एक तारा है इसका जीवन काल होता है टेन टू द पावर टेन वर्ष ठीक है चल सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं तो इस घटना को कहा जाता है डायमंड रिंग ठीक है क्या कहा जाता है डायमंड रिंग अब देखिए भारी वाहन में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है उसका रीजन क्या है तो डीजल जो होता है पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है जिससे कि आर्थिक बचत होती है साथ ही साथ डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है ठीक है यही कारण है कि बड़ी जो वाहन होती है उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न जो होती है वह कौन सी तरंगे होती है अस्रव्य तरंगे होती हैं ठीक है चलिए अगला प्रश्न है जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही क्या होती है कम होती है याद रखिएगा जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल कितना होता है तो टेंट पावर सिक्स वर्ष होता है तारों का जीवन काल निर्भर किस पे करता है तो इनके द्रव्यमान और चमक पर याद रखिएगा तारों का जीवन काल किस पे निर्भर करता है तो उनके द्रव्यमान और चमक पर तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में किसमें प्रकाश वर्ष में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है तो रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों के कारण होता है तो होता है अल्ट्रावायलेट किरणों की के कारण सापेक्षता सिद्धांत तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे तो ये थे आइंस्टीन याद रखिएगा इस चीज को चंद्रमा पर दिन और रात का तापक्रम क्रमशः कितना होता है तो चंद्रमा पर दिन का जो तापक्रम होता है वो होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और रात में जो होता है वो होता है माइनस एक सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार जो है बढ़ जाता है और मात्रा जो रहती है वो अपरिवर्तित रहती है नहीं उसमें कोई चेंजेज नहीं होती हैं। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं तो ये होता है सर्फेस टेंशन की वजह से पृष्ठ तनाव के कारण ठीक है तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एन ग्रुप डी और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी प्रश्न ऑलरेडी बीस वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं तो आप इसे मिस मत कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में